मिशन शक्ति अभियान के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राओं को राजघाट थाने का निरीक्षण करवाया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में मिशन शक्ति अभियान के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्राओं को राजघाट थाने का निरीक्षण करवाया गया है। यहाँ पर छात्राओं को थाने के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई, किस तरह से पुलिस कार्य करती है, किस तरह से अपराधियों को पकड़ के लाने के बाद बंदी गृह में बंद रखती है, इसके साथ किस तरह की सुविधाएं सरकार व यूपी पुलिस की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही है और क्या क्या सेवाएं वह ले सकती हैं, जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 व 112 के बारे में बताया गया कि किसी महिला को कोई व्यक्ति परेशान करता है तो वह किस नंबर पर कॉल करेगी तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी और उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा, छात्राओं को थाना देखना बहुत अच्छा लगा, वह बहुत खुश थी। इस तरह का अभियान आगे भी चलता रहेगा जिससे महिला सशक्तिकरण के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा, छात्राओं को पास्को एक्ट, पुलिस की नियमावली, CWC की कार्यवाही, हिस्ट्री सीट, CCTNS के बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिससे कि छात्राओं के अंदर का डर निकल जाए, वह बिना डर के पढ़ाई कर सकें और एक अच्छा मुकाम हासिल करें। इस अवसर पर SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, TP नगर चौकी प्रभारी अनूप कुमार तिवारी, उप निरीक्षक SK मिश्रा सहित राजघाट पुलिस मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, महिला पुलिस दल जो आजकल अपने शहर में SSP साहब के निर्देश पे जगह जगह आती जाती हैं, वहां पे हर तरफ पुलिस की व्यवस्था कराई गई है जो एक स्वच्छ माहौल आपको पड़ेगी। हम लोग के गोरखपुर जनपद की पुलिस अधीक्षक अपराध मैम आपसे सीधा संवाद करेंगी, आपके अंदर जो क्वेश्चन होगी। दुर्गा जो माँ है उनके 9 रूपों की हम लोग पूजा करते हैं, नवमी को हम लोग कन्या भोज कराते हैं और ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जिसमें हम महिलाओं को और बच्चों को सम्मानित जगह देते हैं अपने जीवन में, अपने समाज में। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने सोचा कि पुलिस की तरफ से जो हमारी बच्चियाँ हैं जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, उनको जो पुलिस की कार्यप्रणाली है उससे उनको अवगत कराया जाए, ताकि यदि उनके साथ में कहीं भी किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है या किसी प्रकार का डिफिकल्टी वो फेस करती है कहीं पे, कहीं छेड़छाड़ हो रही है, कोई कमेंट कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो पुलिस को कैसे अप्रोच करें, क्या होलिस्टिक समाधान हम उनका कर सकते हैं, उसके बारे में जागरूक करने के लिए आज हमने आपके स्कूल को चुना है और आपको हमें इन्वाइट किया है। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगी जो आप लोग आ गए हैं यहाँ पे, और मुझे पूरी उम्मीद, पहले हम लोग एक बार राउंड ले लें, आपको पूरे दिखाने का राउंड दिलाएंगे, हर एक सेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि उसके बाद ही मुझे लगता है कि आप कुछ क्वेश्चन पुट अप करने के कंडीशन में होंगे या पहले आप करना चाहेंगे। जब भी कभी किसी के साथ कोई घटना होती है तो सबसे पहले थाना कार्यालय में कि साहब हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, हमारा ये मुकदमा या हमारी ये शिकायत दर्ज कर ली जाए, तो एक तो ये थाना कार्यालय हो गया, आपकी शिकायत तुरंत यहाँ कंप्यूटर पे दर्ज होगी। दूसरी चीज कि जिला जनपद राइटिंग थी, आप अगर आप
से बोल के, जैसे मैं अभी आपसे बात करूँ मौखिक किस को बोलते हैं ओरल, अगर आप ओरली नहीं यहाँ बताएंगे तो भी आपका शिकायत यहाँ पे दर्ज की जाएगी, ठीक है। पूरे जनपद में जैसे चौरी चौरा में कोई घटना हो गई या पड़हलगंज में कोई घटना हो गई या कोई बात हो गई तो कैसे एक दूसरे से वार्ता होती है, तो ये है वायरलेस सेट। ये वायरलेस सेट है कम्युनिकेशन प्लान के अंतर्गत, ये पूरे जनपद में एक दूसरे से एक कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ पे, और वहाँ से सबको सूचनाएं आती रहती हैं कि आप अपने थाने पे कोई चौराहे पे प्रॉब्लम है तो इसको देखें, यहाँ पे कोई दूसरी जगह प्रॉब्लम है तो ये, जिससे सारी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। समझ में आइए क्या है ये, क्या है ये, इसमें वो सेट जैसे इसमें ये है ना, जिससे मैं जो हमारा कंट्रोल रूम होता है, ठीक है, जो शहर का क्षेत्र है उसके लिए सिटी कंट्रोल रूम है, और जो देहात के क्षेत्र है उनके लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, ठीक है। तो जो कंट्रोल रूम होता है वहाँ से सारे थाने कनेक्ट होते हैं, जो सीसीआर का सिटी कंट्रोल रूम का चरण नंबर 2 है, उस पर ये सेट होते हैं सारे सेट। मैं यहाँ से अगर पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैसेज देना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल रूम को कॉल करूँगी, उसको बताऊँगी एंड फिर वो मैसेज को रिले करेगा, ठीक है, मतलब दूसरे कामों को सीधे करके सभी को बताएगा, ठीक है, को पता चल जाता है इस सेट के जरिए। सिमिलरली अगर किसी सीनियर अधिकारी का कोई इंस्ट्रक्शंस है जो कि सभी थानों को जानकारी होनी चाहिए तो उसको हम लोग सीसीआर या डीसीआर सिटी कंट्रोल रूम या डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम को भेजते हैं। जैसे मुझे अगर पूरे जनपद में कोई मैसेज रिले करना है तो मैं उनको भेजूँगी आरटी मैसेज बना करके, और वो फिर वहाँ से पूरे जनपद को बताते हैं। इस तरह से पूरा जनपद इस सेट्स के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, निर्देश की जानकारी दी। नोट किया गया, नोट किया गया, ठीक है। अभी आप जो भी इस पूरे थाना क्षेत्र में जो कुछ भी होता है उसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको लगते हैं जनरल डायरी अंतर्गत सभी लोग इसमें समाहित हैं, कोई भी इससे अलग नहीं जा सकता। जब भी हमको कहीं जाना होगा जीडी में आमद होगा। ये एक तरीका है कि हमारी फोर्स को कंट्रोल करने का, उनकी मूवमेंट, ये नहीं कि मतलब हमें पता नहीं हो कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, घूम रहे हैं और कोई सरकारी काम नहीं कर रहे हैं। ये एक तरीका है जिससे हम अपने पूरे फोर्स, ठीक है, जैसे आपके यहाँ अटेंडेंस होती है रजिस्टर होता है, ऐसी हमारे यहाँ आप जी भी मान लो, ठीक है। इस पूरे थाने क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होगा सब इसमें आएगा, और फिर उस इंसिडेंट पर कौन गया है वो भी इसमें। एंड अब ये जो हेड कॉन्स्टेबल ऐसा ही है दिन और रात में, ठीक है, देखो मंथ्स हैं और दिन और रात दोनों में उनकी चेकिंग की जाती है। सो कॉन्स्टेबल हेड कॉन्स्टेबल SI SHO सभी लोगों को भी बुक भी देखो, ये भाषा देखो किसी की भी किस संतर रजिस्टर है, बस एक रफ उसको चाहिए, कुछ समझ में नहीं आएगा सर, एक रफ की मतलब कैसे यहाँ डॉक्यूमेंटेशन होता है। अभी देखिए सबका जिसने जो अपराध किया है उसका अपराध इस पे दर्ज है, उस क्षेत्र में जो भी अपराध है उस क्षेत्र में उस गांव में उस मोहल्ले में जो भी अपराध हुआ है ये हमारा इन्वेस्टिगेशन रूम है। हाँ दैट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस मतलब जैसे कोई घटना घटित हुई उसका FIR वहाँ पे पंजीकृत हुआ, FIR लॉज हुई वहाँ से, उसके बाद वो FIR किसी जो हमारे यहाँ का स्टाफ है SI से किसी SI को वो भेजना इन्वेस्टिगेशन आवंटित किया। अभी जो भी आता है किसी का इसमें नोट डाउन होता है, और स्पेशली महिलाओं के लिए भी होता है, यहाँ पे महिला हेड डेस्क मिल सकता है, ये स्पेशली बस महिलाओं के लिए है। जो भी महिला आती है जो भी उनके प्रॉब्लम होते हैं पता है, जो भी लिखा जाता है जिसमें आपके साथ जो भी चीज़ें किया है उस चीज़ का भी यहाँ पे पूरा ब्यौरा लिखा जाता है, आपके मोबाइल डिटेल्स लिए जाते हैं, और जो आप उच्च अधिकारियों को बताया जाता है कि शिक्षित कार्रवाई की जाए। लेकिन दो तरीके से कंप्लेंट है, एक कंप्लेंट तो जो FIR में करनी पड़ा, ठीक है, मतलब जिसमें FIR दर्ज होगा। कौन सी क्लास के बच्चे हैं मैम? सभी 10th के एग्जाम, अब ये नया वाला इस पुलिस अधीक्षक सर गोरखपुर का आगमन हुआ है और वो आपसे सीधा संवाद करेंगे नारी सशक्तिकरण के क्रम में। और कोई ना है उतना ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से बोलने शुरू होती है। और कोई
आपने वो चीज नहीं बताई जो पुलिस के पास, ठीक है, हाथों को ले जाके हवाला दिखाओ, अंदर से दिखाना, अंदर खड़े करके, ठीक है, अंदर खड़ा करके गेट फील होता है ना, और घर में जाके अपने पापा और अपने भैया को भी बताना कि वो भी कोई गलत ना करे। सब लोग अंदर हो जाइए, पूरा आ जाइए जी, बाकी लोग सरकार का कितना पैसा लगा है, सरकार मतलब हमारा ही है, हमने टैक्स दिया है, वो फोन ये वहाँ किए हैं, फिर वहाँ बहुत बड़ा सिस्टम लगा है, उसमें लोग बैठे हैं जिनको सैलरी मिल रही है, फिर वो इनको कॉल किए, इनके पास गाड़ी है आज 20 लाख की, इसमें 5 पुलिस वाले हैं जो जिनको सैलरी मिल रही है, कई हमने इनको फैसिलिटीज दे रखी है, वेपन्स दे रखे हैं, टैबलेट दिए हैं, मोबाइल दिए हैं, उसका एक्सपेंस है, फिर यहाँ आने का जाने का, अगर ये कहती है कि सर मेरा कोई पर्स छीन के लड़का इस तरफ भागा है तो ये पीछे जाते हैं उसको ढूंढने के लिए, वो तुरंत सेट पे भी बताते हैं, जैसे हमारा ये सेट मैंने बोला था वैसे सेट पे बताते कि इस तरफ दो लड़के हैं मोटरसाइकिल पे, लाल रंग का शर्ट पहने हैं, जल्दी से नाकाबंदी करवाइए, एक लड़की का बैग लेके भागे वो लोग, नहीं खड़ी होगी तो नहीं पहनेंगे, तो ये तो बदमाशी है, वो गलत कर रहे हैं ना, तो उनको क्या लगता है फिर मन में डर लगता है, और फिर वो क्या करते हैं डर में, आपके लिए है कि इसमें लिखें और अपने भविष्य को संवारें, ये आपका भविष्य संवारे। सबका फोटो आ रहा है या कट रहा है? आ रहा। कोई टेंशन में नहीं रहते थे फोटो में, ऐसा ना हो पुलिस स्टेशन में खड़े रहते आप मैडम को आप पीछे बताओ, आगे आए दो बच्चे मैडम के, आगे आ जाओ, और एक महिला जेल है, और यहाँ पे हमें बहुत सारे चीजों के बारे में बताया गया है कि जैसे कि CCTNS क्या होता है, वायरलेस सेट क्या होता है, फ्लाई शीट क्या होती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम कैसे उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लेके, कैसे FIR लिखवा सकते हैं, और बहुत अच्छे मतलब से हमें यहाँ ट्रीट किया गया है, पानी पिलाया गया है, कुछ खिलाया भी गया है, और यहाँ पे मतलब सर एस के मिश्रा सर हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ फ्लाई शीट कंट्रोल वायरलेस सेट के बारे में भी बताया कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक थाने को दूसरे थाने के बारे में, और हमारा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में कुछ नंबर बताएगा? हाँ, हमें यहाँ बताया गया 1090 पे हम कॉल कर सकते हैं कि जिसपे कि हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, अगर हमें ऐसी मतलब कोई FIR करानी है कुछ बताना है तो हम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जिससे कि हमारी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी और हमारी FIR भी दर्ज हो जाएगी। थाने बहुत अच्छा था, यहाँ के बहुत लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया और सब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अस्मिता वर्मा, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और हमने विजिट किया, हमें कई चीज़ों के बारे जानकारी भी मिली और जो पहले नहीं थी, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, अवेयरनेस क्रिएट हुई है और हमें बताया गया है कि हमें हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें क्या क्या उसके ऊपर फिर उसके बाद करना चाहिए, और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें।
यहाँ पे कैसे कैसा क्या क्या जानकारी आपको मिली? हमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी मिली कि मेन ऑफिस में FIR दर्ज करवाया जाता है, फ्लाई शीट क्या होती है, फिर हिस्ट्री शीट क्रिमिनल कौन होता है, फिर हमें CCTNC के बारे में भी बताया गया और हमें वेपन्स दिखाए गए और हमें लॉकर रूम भी दिखाया गया और भी हमें बताया गया कि 112 पे हम लोग कॉल कर सकते हैं अगर हमारे साथ कुछ गलत हो, हमें उसको कैसे बताना है कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं और हमारे साथ क्या हुआ है। लॉकअप डे आप लोगों ने क्या किया? वहाँ पे अभी तो कोई नहीं था, हम लोग जब गए और वहाँ पे ही रखा जाता है, जब कोई पुलिस किसी क्रिमिनल को ढूंढती है तो सबसे पहले मतलब उसके बाद उस पर FIR दर्ज होकर जो भी नतीजा आता है उसके बाद उसको उधरी लेकर जाना चाहते हैं। उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, हमें काफ़ी चीज़ें बताई उन्होंने और काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, यहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और हमें बताया गया है कि हम लोग कैसे अपनी सेफ्टी के लिए ध्यान रख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए कैसा उनका कार्य? उनका कार्य बहुत अच्छा है, अब हम लोग सेफ काफ़ी सेफ महसूस करते हैं जब हम लोग बाहर निकलते हैं। पहले ऐसे हर जगह डर लगता था कि कौन पीछे से आके क्या कर जाए, पर अब ऐसा नहीं, अब हर जगह पुलिस रहने लगी है और वो हमारे सेफ्टी के लिए बहुत ध्यान दे रही है और हमें अवेयर भी कर रही है। जी आज महिला शक्ति अभियान के तहत चैत्र नवरात्र के इस पर्व पर हमने ये महिला शक्ति अभियान के तहत ये आयोजन किया है, जिसमें कि आर्मी पब्लिक स्कूल की जो गर्ल्स हैं वो हमारे आज राजघाट थाने के भ्रमण पर आई और यहाँ पर उन्हें पूरे थाने के बारे में जानकारी दी गई, पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी गई, क्या क्या सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, यूपी पुलिस की क्या क्या सेवाएं हैं जो वो ले सकती हैं और किस प्रकार से अपराध नियंत्रण में कानून व्यवस्था में वो सहयोग कर सकती हैं, इस बारे में उन्हें बताया गया और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। बच्चियाँ बड़ी कॉन्फिडेंट थी और बड़ी खुश थी और पुलिस बल को भी अच्छा लगा बच्चियों से मिलकर, और जो इससे अच्छा माहौल तैयार हुआ है उसको हम लगातार आगे जारी रखेंगे और समय समय पर ऐसे अभियान चलाते रहेंगे। हमारी जो महिला सुरक्षा दल का ये एक इनिशिएटिव है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। SP क्राइम इंदु प्रभा जी और CWC चेयरपर्सन वंदना जी, इनके नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है हमारा, जो कि लगातार जारी रहेगा। स्कूली बालिकाओं को हमने जो जो UP 112 की सेवाएं हैं, 1090 की सेवा है, 1070-76 साइबर सिक्योरिटी की सेवा है, इसके अलावा पॉक्सो एक्ट और अन्य जो कानून के नियमावली हैं उनके अंतर्गत क्या क्या कार्यवाही हो सकती है, CWC की क्या कार्यवाही होती है, किस प्रकार से पुलिस कार्यप्रणाली है, ये सब जानकारी दी गई, जिससे कि उनको पुलिस का भय ख़त्म हो और उनको पता चले कि पुलिस एक सहयोगी की भूमिका में है, उनके मित्र की भूमिका में है, ताकि वो संकोच के बिना पुलिस की मदद ले सकें और आगे भविष्य में ये पढ़ लिख कर देश के विकास में अपना पूर्णतः योगदान दें, बिना किसी डर के, बिना भेदभाव के अपने आप को सशक्त महसूस करके ये समाज में एक एक्टिव भागीदारी करें, इसके लिए ये आज कार्यक्रम बनाया गया।